Good afternoon students, my name is Payal Parikh, I am your computer teacher. This is your computer book, Explore Second Standard. हमारा first chapter है Part of the Computer, Parts of the Computer. Computer के बहुत सारे parts है, Monitor, Keyboard, CPU, Mouse, Printer, Speaker, Microphone, Joystick and Gamepad. लेकिन इसके अंदर main four parts ये है, Monitor, Keyboard, CPU and Mouse. अगर इन चार में से कोई भी एक भी parts हमारा computer में available नहीं होगा या बिगड़ गया होगा, तो हम computer अच्छे से नहीं चला सकते. चलो हम जानते हैं इस सारे parts के बारे में, detail में. देखो, ये जो दिखाई देता है, ये सारे computer के parts है. Monitor, Speaker, Keyboard, माउस, CPU एंड प्रिंटर. फर्स्ट पार्ट है मॉनिटर. मॉनिटर इज लुक्स लाइक अ टेलीविजन सेट. ये बिल्कुल टीवी जैसा दिखाई देता है. मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस. इट डिस्प्ले आउटपुट. इट इज ऑल्सो नो एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU. VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वी कैन ऑल्सो सी मूवीज ऑन अ मॉनिटर. हम मॉनिटर की हेल्प से कोई भी मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं. मॉनिटर टू टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, CRT मॉनिटर एंड LED मॉनिटर. अभी जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो LED मॉनिटर. जब LED मॉनिटर नहीं आया था तब हम पहले CRT मॉनिटर यूज करते थे. नेक्स्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. जनरली कीबोर्ड हैज 101 to 105 कीज. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज ऑन इट. जनरली कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही दिखता है. जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे तब पहले के ज़माने में टाइपिंग यूज़ करते थे, टाइपराइटर यूज़ करते थे, तो कीबोर्ड हमारा बिल्कुल टाइपराइटर जैसा दिखाई देता है. और कीबोर्ड के अंदर 101 से 105 की कीज होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 कीज होती है. और कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल कीज. उसके अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको हम कीज बोलते हैं. और कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइप लेटर, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी टाइप कर सकते हैं. एंटर की ऑन कीबोर्ड इज नो एज रिटर्न की. दिस वन इज एंटर की, जिसकी हेल्प से अगर हमने कोई लाइन टाइप की है, हमें दूसरी लाइन पे आना है, तो हम इस एंटर की का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट CPU. CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज नो एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU कंप्यूटर का ब्रेन है और पूरे कंप्यूटर के अंदर CPU सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी कुछ चीज़ें याद रखनी है कंप्यूटर को, कुछ रिमाइंडर रखना है, रिमेम्बर रखना है, तो CPU उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. इसीलिए CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. नेक्स्ट इज माउस. माउस इज नो एज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस हैज टू और थ्री बटन्स. माउस इज इनपुट डिवाइस. माउस इज यूज टू क्लिक, सिलेक्ट एंड ड्रैग आइटम्स ऑन द स्क्रीन. अगर स्क्रीन के अंदर कुछ क्लिक करना हो, फाइल या फोल्डर ओपन या क्लोज करनी हो, तो हम माउस का यूज कर सकते हैं. कुछ माउस ऐसे होते हैं जिसके अंदर टू बटन्स होते हैं और कुछ माउस ऐसे होते हैं जिसके अंदर थ्री बटन्स भी होते हैं. माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. और पेंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज हम किस चीज़ का करते हैं? माउस का. नेक्स्ट इज प्रिंटर. थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट. इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर. अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग ऑन अ पेपर. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. इट गिव्स आउटपुट एज हार्ड कॉपी. इट मैनी रिटर्न आउटपुट इन ब्लैक और मल्टी कलर्स. प्रिंटर तीन टाइप के प्रिंटर्स होते हैं. अगर हमें कोई पेंटिंग या कोई भी चीज़ टाइप की हो, लेटर या एप्लीकेशन टाइप किया हो, तो उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो प्रिंटर हमें हेल्प करता है. प्रिंटर की हेल्प से हम वो हार्ड कॉपी ले सकते हैं. प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी होता है. जिसकी हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए, हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हैं. और कलरफुल यानी कि मल्टी कलर का भी प्रिंटर अवेलेबल होता है. नेक्स्ट इज स्पीकर. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस. स्पीकर अलाउ टू लिसन म्यूजिक,
स्पीकर आर जनरली यूज इन पेयर. स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है. अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ साउंड चाहिए, कोई सॉन्ग सुनना हो, कोई म्यूजिक सुनना हो, तो हम स्पीकर का यूज कर सकते हैं. स्पीकर हमेशा पेयर में होता है, यानी कि एक से ज़्यादा ही होते हैं. कभी हम एक स्पीकर नहीं बजाते, हम दो स्पीकर यूज करते हैं या तीन या चार स्पीकर का यूज करके हम साउंड सुन सकते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोफोन. वी कनेक्ट दिस डिवाइस विथ कंप्यूटर सिस्टम टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड. यानी कि हम माइक्रोफोन की हेल्प से कोई भी हमारा साउंड हो या हमारा वॉइस हो, वो रिकॉर्ड इजीली कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर बाय यूजिंग माइक्रोफोन. बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल है, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती, तो हम माइक्रोफोन की हेल्प से हम उसे कोई भी लेसन समझा सकते हैं. इट ऑल्सो यूज टू टॉक विथ अवर फ्रेंड्स बाय यूजिंग इंटरनेट. अगर इंटरनेट के थ्रू हमें किसी से बात करनी है, तो हम इंटरनेट के थ्रू माइक्रोफोन की हेल्प से उनसे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एंड लास्ट जॉयस्टिक एंड गेम पेड. दिस वन इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक एंड गेम पेड हेल्प अस टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर. जॉयस्टिक और गेम पेड की हेल्प से आप कंप्यूटर में इजीली गेम खेल सकते हो. जॉयस्टिक एंड गेम पेड हैज लॉन्ग लेवर और बटन टू प्ले गेम्स. उसके अंदर जो बटन्स होते हैं, उसकी हेल्प से आप अच्छे से कंप्यूटर में गेम खेल सकते हो. दिस वन इज गेम पेड. ये है जॉयस्टिक और दिस वन इज गेम पेड, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से कंप्यूटर में गेम खेल सकते हो. इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में हमने एक वीडियो लिंक भी भेजी है, जिसके अंदर अच्छे से दिया हुआ है. थैंक यू.